सो फाइनली हम लोग को पॉपकॉर्न्स मिल गए। काफ़ी टाइम से मैं भरत को बोल रही थी कि मुझे पॉपकॉर्न्स खाने हैं, तो काफ़ी टाइम से पॉपकॉर्न वाले ऐसे हम लोग को मिल नहीं रहे थे रोड पे जो खड़े होते हैं। इन लोग के पॉपकॉर्न्स काफ़ी अच्छे होते हैं, बहुत टेस्टी होते हैं, तो मैं ज़्यादातर प्रेफर करती हूँ कि ये छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं यहाँ से हम लोग चीज़ें लें और खाएँ, क्योंकि ये फ्रेश भी होती है और हेल्दी भी होता है, अच्छा भी होता है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप सब भी यही मतलब इनको ये पॉपकॉर्न्स ट्राई करें। वैसे तो हम लोग मॉल्स में थिएटर्स में पॉपकॉर्न खाते रहते हैं, बट इनके पॉपकॉर्न्स कौन खाएगा। तो ये मुझे छोटा सा वीडियो बनाना था। ये देखो पॉपकॉर्न कैसे ऊपर आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है ऐसे पॉपकॉर्न्स बनते हुए। घर पे तो बनाते, लेकिन जो घर पे मज़ा होता है ना वो इतना नहीं होता है जो ये पॉपकॉर्न खाने का मज़ा होता है। और 10 रुपये का पैकेट है, काफ़ी सारे पॉपकॉर्न ले लो और घर पे बैठ के इंजॉय करो, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है, रिलैक्सिंग लगता है पॉपकॉर्न खाती हूँ तो मैं, जैसे ना डिप्रेशन दूर होता है मेरा। तो काफ़ी पॉपकॉर्न्स मैंने ले लिए और जब भी वो बना रहे तो मैंने बोला मुझे फ्रेश पॉपकॉर्न्स चाहिए। तो आप सब भी ये पॉपकॉर्न ट्राई करें। पेस्ट्री बढ़िया सी, यो डैडी बढ़िया केक है, यो बब्बू वर्तो होते कि डैडी के दिनासी कि मम्मी के जन अज वैलेंटाइन आता समझे वा। अच्छा होते रोड रोड है, ये पॉपकॉर्न वर्ता सी मुश्किल था मिलन पॉपकॉर्न। और ये अरे बाप रे भगवान ने अर्ध का दे यहां दे एकरो पिज्जा लाए जो ती एनिमल के फोन करने वाली थी भाई मम्मी पहुंचे। हां ये बिना चीज ये बर्गर सोनर ठाकड़ी है या और ये पानी की बॉटल्स डैडी काटो बढ़िया पानी कौन है मटके में बढ़िया काटो डैडी भरत। और ये चॉकलेट्स जो सोनर ने दिए, और ये क्या है जो सोनर ने बोला वापस देना ये मम्मी देखो एडवर्टाइज ना देखा ना तुम नहीं चॉकलेट जी ना एडवर्टाइज देखा नहीं ना जो तुम चाहे नॉर्मल चॉकलेट है चाहिए हो मजाक तो कर। हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू डैडी हैप्पी बर्थडे टू डियर डैडी हैप्पी बर्थडे टू थैंक यू मे गॉड ब्लेस यू मे गॉड ब्लेस यू हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे एक्चुअली वीडियोस मैंने पहले निकाल के रखे थे और एक्चुअली सच्ची बताऊँ मैं ये भूल गई थी ब्लॉग बनाना, तो सो सॉरी ये ब्लॉग बहुत लेट आ रहा है, तो बट फिर भी आप सब इंजॉय करना ये ब्लॉग को। आज 2 सेलिब्रेशंस हो रहे हैं, आज है वैलेंटाइन डे और आज है बसंत पंचमी, डैडी का रियल बर्थडे होता है, तो 2 सेलिब्रेशन हम लोग का हो गया। नहीं ये भी काटो, ये खाओ आप, कैसा वसूल है ये भी काटो ना डैडी, ये भी काटूंगा। अरे गुलाब के फूल ले मम्मी। हां अच्छा कितने फूल सब इधर ही है रे बड़ा। ओरे बाबा हैप्पी बर्थडे टू, तो डैडी के 2 बर्थडे होते हैं, एक 8 को एक। हां मेरा बर्थडे 2 है आज, बसंत पंचमी है तो डैडी का रियल बर्थडे। ये ट्रिफल चॉकलेट ट्रिफल फ्लेवर था ना, ये वो अपने को आइडिया लेंगे है ना। आदो खिलाएंगे उल्ला कसम कर काम को। बाबू ना मैं आपको क्या बताऊं, भरत को चॉकलेट्स केक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे बहुत पसंद है, हम दोनों ऑपोजिट हैं। मुझे मीठा बहुत पसंद है और भरत को मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं थोड़ा घिसता हूं संभालता हूं। हां ये पकड़ो अभी डैडी, मम्मी को दो अभी। हैप्पी वैलेंटाइन, हैप्पी वैलेंटाइन डे मम्मी एंड डैडी। अब ये वाला दे मैं थोड़ा खाऊं, ये अच्छा लग रहा है भरत। हैप्पी वैलेंटाइन डे भरत, ये वापस घूमेगा। हैप्पी वैलेंटाइन डे याने बार तो तक। थैंक यू काय खत्म करो आने ये अपना तो ये वाला दे। कौन सा ले तुम, ये वाला ये सुठो है चॉकलेट वो खा के वो भी है हां बट चमचो है ना ये चीज वाला तो आता है ये भाई पीस। कौन सा वाला चीज का ये? हां ये चीज वाला ये मां ये अलग है ये मम्मा चीज है हमने तो लगला चीज अच्छा खा लो कोई खबर पे ना थी हमने तो आया ना रिसो है तो नमक है ना ये डैडी खाएंगे पानी खा लो हां क्यों
मुझे भवाटी पे अच्छे मके ये ये बिना चीज वाला जे को भी खाए डैडी बिना चीज वाला तमा खाई छे मम्मा का पीस खाना बहुत चीज आ रहा है अरे खाना तो मुझे चिंता ना आज बड़े तो हमें आए हैं यहाँ पे चाइनीज खाने होका है यहाँ का चाइनीज ऑसम होता है ऑसम और अभी जो है ना इसको क्या बोलते हैं बड़ा ये आइटम किमची एंड दिस इज पॉट राइस चिकन पॉट राइस बड़े तो खाने में बिजी है एंड दिस वन दिस इज मंगोलियन राइस आज हम पेट भर के चाइनीज़ खाएंगे क्योंकि हम दोनों का फेवरेट है चाइनीज़ और ये मेरा फेवरेट ये तो कंपल्सरी चाहिए और चाइनीज़ बहुत गर्म है लेकिन मज़ा आ गया बड़ा आपको मज़ा आ गया हे भगवान सोसाइटी में देखो कैसे बंदर आए हैं आज हम लोग निकले हैं भाजी मार्केट में भाजियाँ लाने क्योंकि भरत हमेशा एवरी वेनेसडे को गाय को मेथी पालक खिलाते हैं तो भरत के साथ मैं भी आई हूँ मेथी पालक लेने बहुत सारी मेथी लेंगे और पालक लेंगे और गाय को खिलाएंगे वैसे बोलते हैं गाय को पालक खिलानी चाहिए पर जब भी भरत ने पालक और मेथी खिलाई तो गाय ज़्यादा मेथी खा रही थी तो हम लोग को सरप्राइज़ हो गया कि मेथी कैसे खा रही तो अभी हम लोग ने सोचा है कि मेथी ज़्यादा लेंगे और पालक कम लेंगे गाय के लिए अभी परत गाड़ी रुका के हेलमेट निकाल के पहनेंगे क्योंकि जो बहुत ज़रूरी है हाईवे रोड पे आप सब भी हेलमेट ज़रूर पहने क्यों नहीं हर टाइम तो डालती हूँ गाय है किधर मतलब गाय नहीं है हाँ बैठी है कैसे बुलाने का आ आ आ आ आ शोनी शोनी शोनू आ आ उस्ते मेरे पेट बड़ा हुआ है क्या हाँ यार तो तबीयत ठीक नहीं हाँ इधर इधर देखो इधर मेथी लाई हूँ मेथी वैसे भी तो ये टाइम पे लेके आते हैं भरत तो खाती है ना आज मैं बैठी है ना ध्यान नहीं है आ आ बोलो वापस आई उठी 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 ये वेरी गुड देखा यस गुड बॉय नहीं मैं हाथ से नहीं मुझे डर लग रहा है उसके नखरे थैंक यू फॉर कमिंग थैंक यू तो सुना ना कैसे अरे हाँ दूसरी भी है ना मैं गुस्से में थी क्या हुआ उन्होंने जो सर्टिफिकेट व्हाट हैपेंड उसको नहीं बुला उसको शिट अकेले खाएगी झगड़ा दिया वापस वापस बुलाओ पर आ आ आ आ आ आ आ ये देखो थोड़े दिनों के बाद भरत और मेरी वेडिंग एनिवर्सरी थी तो हमेशा की तरह तनीषा मेरे लिए चॉकलेट केक लेके आती जो मेरा फेवरेट है तो आज आई तनीषा रात को मुझे विश करने के लिए तो थैंक यू सो मच तनीषा एंड विनोद